बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर कामरान ज़हीर एंड इन दिस वीडियो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल। फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, देन इफ टाइम लेफ्ट टाइम अलाउज अस देन वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ सिंध फार्मेसी काउंसिल। Okay, so for the composition of pharmacy council, we will simply go to directly to the section 4 of the Pharmacy Act 1967. Now you can see on the screen the section 4, composition of central council. Okay, अब composition को जरा जब हम देखें तो simple reading है. What is written there? The central council shall subject to the provisions of subsection 2 consist of the following members. अच्छा, subsection 2 क्या है? subsection 2 को जरा देख लेते हैं. What is written under subsection 2? ये देखिएगा, subsection 2 आ गया. अब आगे चूंकि subsection 2 के बाद कोई section नहीं लिखा था ना, तो इसको हम इसी तरीके से लेते हैं कि maybe they were talking about the same section. This is section 4. तो इसमें ये लिखा हुआ है subsection 2 में, the central government may by notification in the official gazette increase or decrease the number of persons to be nominated by it under clause C of subsection 1. Again, कोई सबसेक्शन 1 तो आया, सेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसी सेक्शन 4 की बात हो रही होगी. तो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में जाएंगे आप, ठीक है? कहाँ है सबसेक्शन 1? यहीं से स्टार्ट हो रहा था, और इसका क्लॉज सी, वेयर इज अ क्लॉज सी? हियर इट इज, क्लॉज सी. तो सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के जरिए, ये जो सी में जो भी लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल 8 पर्सन हैं, इनका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर मौजूद है, ठीक. अच्छा, इसको देखने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि जरा कंपोजिशन को हम देख लें कि कंपोजिशन क्या है. तो कंपोजिशन में पहले आ रहा है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स ऑफिशियो, मतलब ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजिशन होगा जो भी, इसीलिए यहाँ पर मतलब नाम तो होता भी नहीं ना, एक्स ऑफिशियो डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख दिया गया. और जब तक कोई और ऑफिसर अपॉइंट नहीं होता एज अ प्रेसिडेंट, ही विल बी द प्रेसिडेंट. मतलब आसान अल्फाज में सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको. एक डीजी हेल्थ मेंबर है, पहला मेंबर डीजी हेल्थ होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का. और अगर गवर्नमेंट ने किसी और ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया है प्रेसिडेंट के तौर पर, तो ही विल बी द प्रेसिडेंट. इन मोर सिंपलर वर्ड्स, डीजी हेल्थ जो प्रेसिडेंट होगा. क्योंकि देखिए ना, फिर बी में ये कि ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसी को कर रहे हैं कि क्लॉज ए में जो भी ऑफिसर है वो प्रेसिडेंट ही कहलाएगा. ए और बी को सिंपली आप मिला के पढ़ लें, डीजी हेल्थ मेंबर है और वही प्रेसिडेंट है. कीप इट सिंपल. इसके बाद हम आते हैं सी में, क्लॉज सी. यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 लोग, 8 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. ओके, 8 लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी. आउट ऑफ होम 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस, बात सही है, हर प्रोविंस से एक होना चाहिए. कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, 8 पर्सन है, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देगी, हर प्रोविंस से एक होना चाहिए. और वो जो नॉमिनेशन आएगी वो होगी इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न. आसान अल्फाज में क्या कर लें, आसान अल्फाज, अच्छा चले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Concerned, one shall be a teacher of pharmaceutics and one teacher of pharmaceutical chemistry. अच्छा, अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें तो बात कुछ ऐसी आती है कि 8 लोग होंगे, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी इन 8 लोगों को इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. मतलब यूं कह लें कि हर प्रोविंस से नाम मांगे जाएंगे. अब गवर्नमेंट 3 नाम मंगवाए, 5 नाम मंगवाए, कोई पैनल मंगवाएगी, उसमें से फेडरल गवर्नमेंट जो बेहतर समझती है उन लोगों को अपॉइंट कर देगी. अच्छा, इनमें से अब प्रोविंस की बात कर लें तो प्रोविंस कितने हमारे पास? 4 प्रोविंस तो वेल नोन है. अब गिलगित बल्तिस्तान को भी इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर नुमाइंदगी चाहिए होती है वहाँ ज़रूर शामिल किया जाता है. तो 5 लोग तो इन 5 प्रोविंस से आ गए, ठीक है. गिलगित बल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन उसको ट्रीट वैसे ही किया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा तो बाकी जो फैसिलिटीज है, बाकी जो राइट्स हैं वो भी मिल जाएंगे. अच्छा, 5 ही हो गए, और उन 8 में से एक फार्मास्यूटिक्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, टीचर, वर्ड यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है,
और एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए। अब टीचर में कौन टीचर होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो यहाँ मेंशन नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है। किसी लेक्चरर को भी वो अब नॉमिनेट कर सकते, नॉमिनेशन है ना, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, डीन ऑफ द फैकल्टी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रीव्यू है, बस ये ध्यान में रखिएगा। अंडर 4C क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967, 8 लोग नॉमिनेट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, और इन 8 लोगों के नाम आएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और इन 8 में से एक कम से कम फार्मास्यूटिक्स का एक्सपर्ट टीचर हो। टीचर मतलब ये फिक्स कर दिया, एक्सपर्ट लिखते हैं ना, तो फिर कोई भी फील्ड से आ जाता है, अकेडमिया से नहीं आता। अकेडमिया से लेना ज़रूरी है, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी कि क्यों ज़रूरी है अकेडमिया से लेना। अकेडमिया से या यूँ कहने चले, अकेडमिया से एक फार्मास्यूटिक्स एक्सपर्ट और फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट। तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इन क्लॉज डी, 1 पर्सन फ्रॉम ईच प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट सो फार एज मे बी इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल। अच्छा, यहाँ पर भी प्रोविंस से आ रहे थे, यहाँ पर बस ये बात थी कि किस प्रोविंस से कितने आएंगे वो नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि हर प्रोविंस से एक मेंबर जरूर होगा, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और लेकिन वो उसके लिए कंसल्टेशन लेगी प्रोविंशियल काउंसिल से। यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन हो रही थी, और यहाँ प्रोविंशियल काउंसिल से कंसल्टेशन हो रही है। ठीक है, इन दो चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। जब हम ई में आते हैं तो ई में देखा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट फिर एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। देखिए, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का नाम 1967 के एक्ट में मौजूद है, अभी भी है, और जब भी काउंसिल की रिकम्पोजिशन होगी तो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से राय जरूर ली जाएगी। फिर एफ में हम आते हैं तो एफ में भी लिखा हुआ है, खाली थोड़ा इसको मैं और क्लियर कर दूं। क्लॉज एफ, ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इससे बाद हम देखते हैं, और यहाँ पे कंपोजिशन एंड हो गई है। तो ये टोटल कंपोजिशन है, आज की तारीख में भी यही मौजूद है। नंबर ऑफ मेंबर्स को जरा काउंट करने की कोशिश करते हैं। ए और बी, मतलब 1 मेंबर यहाँ, 8 यहाँ पर, 8 प्लस 1 9, फिर 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस, 9 प्लस 4 13, अगर हम जीबी को भी प्रोविंस के तौर पे काउंट करें 14, पीपीए के नॉमिनी 15, और ड्रग कंट्रोलर 16। अच्छा, अब इसमें ये देखिएगा कि नंबर्स में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिन 8 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी वही नॉमि उसी उन्हीं साहब को नॉमिनेट किया, मिस्टर ए को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी नॉमिनेट कर दिया और प्रोविंशियल काउंसिल ने भी नॉमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे फिर कहीं नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब मिस्टर ए यहाँ पर भी हैं, मिस्टर ए यहाँ पर भी हैं, तो फिर यहाँ पर या तो 8 में से 7 रह जाएंगे, या यहाँ पर फिर जो 4 हमें करना है 4 में से 3 रह जाएंगे। बहरहाल, इन शॉर्ट इसको ऐसे ही देखते हैं, ये कंपोजिशन है आपकी। एक और बात जो जहन में रखिएगा, नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड, बाकी ये एक्स ऑफिशियो और ये एक्स ऑफिशियो, भाई नॉमिनेशंस हैं। अब नॉमिनेशंस सिर्फ इतना कह देता हूँ कि बस ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर रहा मैं इस बारे में। हम अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, बाद में कभी होगा तो कर देंगे, ज़रूर करूँगा। पहले भी क्या है, पिछले सेशन में ही बात की थी, अलग से वीडियो बना देंगे नॉमिनेशन से नुकसान क्या होता है या फ़ायदा क्या होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो इतनी सारी नॉमिनेशंस। चलें, बहरहाल अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हो गई कंपोजिशन। अब कंपोजिशन तो ये है, फिर एक सवाल उठता है कि कंपोजिशन तो ये आ गई, फिर एक सवाल हम करते हैं ना कि क्या मैं आप, चले मैं तो छोड़ देना, क्या आप फार्मेसी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं, या फार्मेसी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए क्या? तो भाई इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप डीजी हेल्थ हो या ड्रग कंट्रोलर हो, अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज एफ। नहीं है तो फिर आपकी नॉमिनेशन या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट से, या प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से आनी चाहिए, या पीपीए की तरफ से आनी चाहिए। यही रूट हैं 2 नॉमिनेशंस के, किस्मत। ठीक, अच्छा, अब हम जरा सा फोकस करते हैं
इस वक्त करंट कंपोजिशन क्या है, करंट कंपोजिशन को ज़रा फोकस कर लेते हैं इतफाक से। चलें, व्हाट्सएप की वजह से ना भाई नोटिफिकेशंस कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। अदरवाइज अभी जब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, तो कल से मैं ढूंढ रहा हूँ वेबसाइट्स पे, मुझे नहीं मिल रहा। तो अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसे कुछ बेहतर कॉपी लगा देता। अब भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे मिला है, जिन साहब ने भेजा उनकी मेहरबानी है, बस ऐसा ही मिला है। आप लोग भी ढूंढेंगे, अगर मिल जाए ना, फ्रेंकली बता रहा हूँ, अगर मिल जाए तो क्लियर कॉपी, यही नोटिफिकेशन होगा, यही 20 नवंबर 2020, यही रेफरेंस नंबर मौजूद होगा। ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कैसा नज़र आ रहा है, यही नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर होगा। अगर क्लियर कॉपी मिल जाए तो काइंडली मुझे दे दीजिएगा, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज। ओके, अब ये करंट कंपोजिशन है इस वक्त। बड़ी बहस मुबहसे के बाद, नॉट बहस मुबहसा तो छोड़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आपको पता होती हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते। बहुत देर के बाद ये कंपोजिशन आई है फार्मेसी काउंसिल की, तकरीबन 1.5 साल, हाँ 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, 14 मंथ्स के बाद न्यू फार्मेसी काउंसिल बनी। पिछला पूरा साल देयर वॉज नो सेंट्रल काउंसिल, सेंटर में कोई काउंसिल नहीं थी। पर अब जो कंपोजिशन है इसमें देखें, ये जो नोटिफिकेशन, इसमें जो अच्छी बात है ना, इसको मैं बता क्यों रहा हूँ, इसमें ये चीजें जो हमने अभी कंपोजिशन पढ़ी है साथ साथ वेरीफाई होती है। तो इसमें देखें, जैसे डीजी हेल्थ लिखा हुआ है तो बताया कि किस सेक्शन के तहत बनाया गया 4A। अभी हमने देखा था ना कि 4A में क्या था, डीजी हेल्थ लिखा हुआ है, तो ओके इसकी वजह से डीजी हेल्थ इज द मेंबर। फिर 4C की बात हो रही है, अच्छा 4C में 8 मेंबर्स हैं। मैं जरा इसको अगेन एडजस्ट कर दूं ताकि स्क्रीन पे हम जब डिस्कस करें तो इधर उधर ना भागना पड़े। ओके, 4C की बात कर लेते हैं, ये 4C, C, C, ये सब C चल रहे हैं यहाँ तक, 4C 8 तक, नंबर 2 to 8। कौन है? डॉक्टर मैजबी कराची मतलब सिंध, मोहम्मद अखलाक साहब, डेरा इसमाइल खान KPK, उबैद खान साहब गिलगित बल्तिस्तान, गुलाम रजाक साहब क्वेटा बलूचिस्तान, मोहम्मद अली गोटो साहब सिंध, जमशेद अली खान साहब पेशावर KPK, डॉक्टर सईद अहमद साहब भावलपुर पंजाब, और ठीक है सी यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेंबर काउंट कर लें, मेंबर हम काउंट करते हैं 1 2 3, ये बन रहे 7, 2 2 8 7। एक्ट में क्या लिखा हुआ था? 8 8 persons। अब ये 7 क्यों है, क्यों है, तो इस बारे में आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शुरू में हमने देखा था, इसे देखें, सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय इट अंडर क्लॉज सी। तो 4C में 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो ठीक है इसमें हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते यहाँ पर, बस ठीक है मौजूद। हाँ नंबर्स पे आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, आप बस ये देख लें कि इसमें जो दो कंडीशंस थी, दो कंडीशन क्या थी कि हर प्रोविंस से एक जरूर होगा, वन फ्रॉम ईच प्रोविंस, ठीक, और एक फार्मास्यूटिक्स का टीचर होगा और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होगा। तो करंट कंपोजिशन में आप सिर्फ इस चीज़ को चेक कर लें, 4C में हर प्रोविंस से एक, मेरे ख्याल है कराची सिंध सिंध से एक, एटलीस्ट एक नॉमिनेशन आ गई, KPK ओके, GB से भी एक, बलूचिस्तान से भी एक, सिंध से, पंजाब बावलपुर पंजाब से भी नॉमिनेशन आ गई, तो पांचों मतलब चारों प्रोविंसेस और GB से नॉमिनेशन आ गई। अब दूसरा कंसर्न आपको देखना है कि क्या फार्मास्यूटिक्स से कोई है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कोई मौजूद है। देखिए यहाँ तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी लिखा हुआ है, अब यहाँ वो नहीं लिखा ना मजीद डिटेल, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटी। अभी हमने बात की थी ना टीचर, तो टीचर में फिर ये कैद नहीं है कि प्रोफेसर ही हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके सामने मौजूद है। तो फार्मास्यूटिक्स के एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट फार्मास्यूटिक्स से भी आपको नजर आ गए, अगेन एक और फार्मास्यूटिक्स एक्सपर्ट हैं। तो इन दो में से कौन उस क्राइटेरिया को पूरा करोगे वी डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट जो था ना कि वन फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स, तो वो चीज़ फुलफिल हो रही। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अभी तक हमें नज़र नहीं आया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये रहे, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद साहब ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 4C में जो हमारे जहन में जो एक दो दो तीन सवाल आते हैं, पहला सवाल ये था कि उधर लिखा हुआ है 8 मेंबर्स, यहाँ पर 7 क्यों है, तो हमने सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 देख लिया कि भाई फेडरल गवर्नमेंट नंबर इंक्रीज से डिक्रीज कर सकती है, नो इशू, क्लियर हो गया। उस पर हम देखा कि क्या हर प्रोविंस से एक एक नॉमिनेशन है, हमने देख लिया हर प्रोविंस से एक है। हमने फिर तीसरा सवाल यह है कि क्या फार्मास्यूटिक्स की कोई नुमाइंदगी है, यस है, मिल गई हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, वो भी मिल गई।
तो ठीक है, बात खत्म, 4C क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम और आगे देखते इसी नोटिफिकेशन में, 4DDDD, 4 डी की बात आ गई। अच्छा, हम डी में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ था 1 पर्सन फ्रॉम ईच प्रोविंस, ओके, और कंसल्टेशन किससे, फार्मेसी काउंसिल से, सॉरी प्रोविंशियल काउंसिल से। प्रोविंशियल काउंसिल की कंपोजिशन, प्रोविंशियल काउंसिल से कंसल्टेशन होगी। प्रोविंशियल काउंसिल की जो भी कम्युनिकेशन होती है या सेंट्रल काउंसिल की कम्युनिकेशन होती है, वो होती है थ्रू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का काम होता है ना सारी खतों किताबत करना, लेटर जो भी लिखा जाएगा सेक्रेटरी के सिग्नेचर से आएगा। प्रेसिडेंट्स वगैरह जरा कम ही लिखते हैं क्योंकि वो हेड होते हैं, कम्युनिकेशन ये जो ऑफिस वर्क होता है वो सेक्रेटरी का काम होता है। तो आप जरा पढ़ने में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बस थोड़े कहे को काफी जानिए। 4D, सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान, सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध, सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ KPK एंड सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर। तो प्रोविंशियल काउंसिल से जब कंसल्टेशन की गई, तो प्रोविंशियल काउंसिल कहा गया कि आप नाम दें, तो नाम आ गए, सेक्रेटरीज के नाम आ गए। ठीक है, चलें। आसानी क्या होती है, देखें सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं ना, तो यही सेक्रेटरी इन्हें प्रोविंशियल काउंसिल को ये हेड तो नहीं कर रहे होते, लेकिन बहरहाल जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होती हैं उनके फंक्शन को काफी इफेक्टिवली रन इन्हें करना होता है। चलिए अभी जब कंपोजिशन पढ़ेंगे ना, अगली वीडियो में चलेंगे कंपोजिशन पढ़ेंगे, उससे सेक्रेटरी का रोल देख लेंगे कि क्यों है सेक्रेटरी का रोल। बहरहाल यहाँ तक हमें देखा कि 4D, और 4D के बाद देखते हैं, एंड नोटिफिकेशन हो गया एंड। बाकी कुछ था यहाँ पे, डी के बाद तो यही था। ई में क्या लिखा था, 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। भाई पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का नॉमिनी क्यों नहीं है, आई डोंट नो। इस कंपोजिशन में तो, इसमें नोटिफिकेशन में तो नहीं है, नॉमिनेशन ली नहीं गई, नॉमिनेशन भेजी नहीं गई, PPA को माना नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एटलीस्ट आई डोंट नो। नोटिफिकेशन स्पीक्स वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ तक हुई कंपोजिशन। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल को। हमने कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल देखी एक्ट के लिहाज से, और आज की तारीख में जो करंट कंपोजिशन है उसे भी हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर नोटिफिकेशन के नंबर के साथ, डेट के साथ, कि आज की तारीख में कौन लोग हैं और कितने अरसे के लिए ये मेंबर बनेंगे। 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए होते हैं ये। जरा अभी जब इसके रूल ऑफ बिजनेस हम डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ये कब तक होंगे। अगर ये 20 नवंबर का नोटिफिकेशन है तो इनकी टेन्योर कब तक होगा, 3 साल अगर हम काउंट करें, 2021, 2022, 2023, नवंबर 2023 तक, या काउंटिंग कहीं और से शुरू होती है, इसको जरा सा हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।